कैसे जी रहे इतना गरीबी में लोग, तो हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। वोट तो आप हमेशा देते हैं, किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। हम आपको एक ये गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। आप उस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है चलाइए। ये प्रशांत किशोर से सुधरने वाला नहीं है। एक वो प्रशांत किशोर छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप नहीं समझिएगा कि आखिर आपको, आपके बच्चों को गरीबी से कैसे निकाला जा सकता है, तब तक ये सुधरने वाला नहीं। कोई नेता, कोई दल आपको नहीं सुधार सकता। अभी हम आपको 5 मिनट में दिखाएंगे कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या। आपसे भाषण नहीं देना है हमको, 3 गो सवाल करेंगे, हर सवाल का आपको जवाब देना है, हाँ या ना, हाथ उठाकर जोर से बोलना है। अभी नहीं सवलवा पूछने दीजिए, तब ताली मत बजाइए, आपको नेता थोड़े है ताली बजाने आए। आपसे 3 सवाल करेंगे, एक एक करके जवाब दीजिए। आपको पहले सवाल में दिखेगा जवाब में कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। दूसरे सवाल में आपको दिखेगा आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा, और तीसरे सवाल के बाद आपको निकलने का रास्ता बताएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बढ़ाइए हाथ जिसको इसको लगता है, जोर से बोलिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, होशियार गांव है भाई। देखिए, आपस में बात नहीं करना है, 10 मिनट शांति से सुनिए। जितने लोग आप आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग, सबने कहा भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी सबकी है, सबको मालूम है, अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, रोजगार पा जाए, तो उसका जीवन सुधर जाएगा। कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका लड़का पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उसका जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबकी है, इतना दुर्दशा में काहे जी रहे हैं, अभी वो देखिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया। देखिए अपने गांव का दुर्दशा, देख चुप। देखिए, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो कि अमीर हो, नेता हो कि किसान हो, मजदूर हो कि नौकरी करने वाला हो, सबको समझ है कि पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए। आप नेता को गरिया रहे, नेताजी सड़क नहीं बनवाए, अरे भाई तुमको किसने रोका था अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट देने के लिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इससे क्या होता है, यहाँ तक कोई पढ़ाई के लिए वोटे मांगने नहीं आए, अब पढ़ लिख के भी क्या होगा, उसके बाद वो नौकरी नहीं मिलता, तो छोड़िए पढ़ाई का बात। आप लोग तो बड़ा होशियार लोग हैं, आपको पता है अगर आपके यहाँ फैक्ट्री लग जाए, आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया, दोनों चीज नहीं दिए, कोई बात नहीं है। खेती तो आप लोग सब करते हैं, अभी 2-3 महीना पहले आप धान बेचे होंगे, हमको लोग बताया महिषी में आलू बड़ा होता है, धान का दाम है 2100 रुपया क्विंटल, यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी, चाहे मोदी का भक्त हो कि लालू का वोटर हो,
किसी ने अपना धान 1600 1700 से ज्यादा में नहीं बेचा। नहीं, 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 नहीं। लेकिन सबको मालूम है अगर 2100 रुपया में धान बिकता तो आपकी आमदनी बढ़ती, लेकिन आप तो धान गेहूं आलू के दाम के लिए वोटे नहीं करते। तो अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने आमदनी के लिए वोटे नहीं करते हैं तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब इतने विद्वान लोग हैं, कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के लीजिए, नेता लोग आके कहता है हमको वोट दीजिए हम काम करेंगे, हम कह रहे हैं वोट जिसको देना है दे दीजिए, गारंटी हमसे लीजिए हम लिख के देते हैं, जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा, ना मिले तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। और अभी आपको दिखा के जाते हैं कि कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का चाय पीते पीते जवाब दीजिए, सब आदमी हाथ उठाकर जरा बताएगा आज तक जीवन में आपने जिन नेताओं को भी वोट नीतीश को दिया, लालू को दिया, मोदी को दिया, कह रहा है भैया जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं, आपस में बात मत कीजिए, अगर समझना है तो आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू बनकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, सब हिंदू लोग बोले अरे भैया कुछ हो चाहे नहीं राम लला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 है चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? अरे बोली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना देश में सबसे पहले बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ जाति वाला? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा नहीं बटा। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, बहुत आदमी कहता है सांसद विधायक को वोट कहाँ दिए, हम लोग तो मोदी जी को देखकर वोट दिए। तो 5 बरिस सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे अभी तो इतना जोर से बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे कि 4 किलो नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया है, जात का चर्चा घरे घरे हो ये रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी करिए रहा। भैया बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज पर
तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने के लिए घूम रहे, वोट वोट नहीं मांगते। देख रहे गांव में कितना होशियार आदमी है, सब बोला है ना भैया, कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोगों ने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, यही बात तो बता रहे। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट जिसको देना है दीजिए। अगर मंदिर के लिए वोट दिए तो आपके वोट में इतना ताकत है, मंदिर बना। अगर अनाज के लिए वोट दिए तो चाहे देश में जितना चोरी भ्रष्टाचार है, अनाज मिल रहा है। अगर बिजली के लिए वोट दिए तो नीतीश कोई काम करे चाहे न करे, बिजली आया है। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दोगे तो चाहे नीतीश को दो कि मोदी को दो, पढ़ाई भी आपके बच्चों को मिलेगा। यही बताने आए, बिहार में आदमी को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं, हम कहेंगे तो ना मानिएगा। यही बात बताने के लिए गांव गांव घूम रहे कि जब आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो मोदी या लालू या नीतीश या प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? मोदी जी को चिंता करने के लिए पूरा देश है, आपको अपने बच्चे का चिंता खुद करना। अब आप देखिए आपकी दुर्दशा दिखाते हैं, बिहार में अपने लोगों को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं। अब आप जरा अपने गांव में बताइए, दुनिया में और कुछ हो चाहे ना हो, तीसरा सवाल है इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद रास्ता बताएंगे। आप जरा सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बोलिए, अपना बच्चा के नाम पर बेवाद नहीं निकल रहा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए कितना गांव फिर समझदार, सब झूठ बोल रहा है। एक बार झूठ बोल देखिए, झूठ बोलने वाला सब हाथ उठा, हाँ भैया होना चाहिए। हम अभी आप ही के गांव में आए हैं, पैदल चल के 5 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा आपके गांव का मिला है, आपके बच्चे, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो कपड़े नहीं, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज सोमवार है, सुबह से हम चल रहे हैं, कोई गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला, या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, अगर गया तो खिचड़ी खा के 10 बजते रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं और आपको इसका कोई चिंता नहीं। आदमी कहता है क्या करे भैया, बड़ा गरीब है। अरे मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने? जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर जात के नाम पर बटन दबाओगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कोरोना में जो बच्चे आपके चल के पैदल आए, जिन परिवार के लोगों का जान सुखा हुआ था मेरा बच्चा लौटेगा कि नहीं, वही परिवार का आदमी फिर जात के नाम पर दुगो पाउच लेके मुर्गा भात खाकर 500 रुपया में अपना वोट बेचा है, और फिर कहता है भैया बड़ा गरीब है, कैसे सुधरोगे रे भाई? न सुधरने वाला। देखिए आप आए हैं देखने प्रशांत किशोर को, कोई बोला है ये आदमी अपना घर परिवार छोड़ के 17 महीना से पैदल आपके गांव में आया है चल के, आप देखने आए, आप अपना दुर्दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ कोई परिवार नहीं है जिसके घर का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा मजदूरी करने के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए आपको छोड़कर सालों साल से बाहर नहीं गया। हम तो अपना घर छोड़े हैं 17 महीना से, आपके बच्चे तो 5 साल 10 साल से छोड़कर चले गए। कोई छठ में 10 दिन घरे आएगा तो एक बार उसका मुंह देखिएगा,
साल भर आपको अपने समान का मुंह देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान पर भैया बम गिराना था इसलिए वोट दिए। गांव में बैठ के लालू नीतीश का समीकरण समझा रहा, कैसे लालू जीतेंगे इसलिए वोट दिए थे। उतना गांव में तो इतना विद्वान लोग है, हमको बता रहा है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी के साथ रहे हम 3 बरस, हमको पते नहीं है। बिहार के गांव में लोग को पता है मोदी जी का सीना 56 इंच का। मेरे भाई, तुमको मोदी जी का सीना 56 इंच का दिख रहा है और अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है, इन बुझा रहा है, तो तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा, यही बात बताने के लिए घूम रहे। अब आप सुधरने वाले हैं नहीं, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं, कितनों बतिया लीजिए यहाँ, कितनों थपड़ी बजा ले, सुधरेगा नहीं। 5 बरिस बैठ के रोता है, ए भैया रोजगार नहीं, ए भैया पढ़ाई नहीं, अरे घर नहीं, खाने को ठिकाना नहीं, अब फिर वोट देने जाएगा तो सब बात भुला जाएगा। बिहार के आदमी को खाली 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए 4 और खाने के लिए 5 किलो भार। लालू नीतीश आपको जात का माला पकड़ा दिए। 30 बरिस से 13 करोड़ आदमी इसी में लगा हुआ, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, उसी में अधूराया है। अपने बाल बच्चों को अनपढ़ मजदूर बना दिया और जात का झंडा लेकर घूम रहा है। मोदी जी आए, मोदी जी को लगा कि हमारा जात का तो यहाँ कोई है ये नहीं है, तो 4 किलो भात वाला स्कीम चालू कर दी। 4 किलो भात खाओ और बोरा में भर के वोट देते रहो। सब बाल बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया, आदमी यहाँ जात बतिया रहा है, भात खा रहा है और जीवन उसी में बीत गया, यही बताने आए। मेरे भाई, एक रास्ता आपको सुझाएंगे, अगली बार जिसको वोट देना है दो, जिसको वोट देना है दो, कहे से कि आप सुधरोगे नहीं, हम कितनो गला फाड़ ले आप सुधरोगे नहीं, लेकिन वोट देते समय एक ही सलाह मानो, वोट देते समय स्वार्थी बनो, अपना स्वार्थ देखो, अपने बच्चों का स्वार्थ देखो। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, मोदी जी अब ये से कह रहे हैं 2047 में देश विकसित बने उसके लिए वोट दो, यहाँ खाए बगैर आदमी मर रहा, देश के लिए वोट दो। कोई आपके कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है इस बार मुसलमान को सबक सिखाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि मोदी को हम रोकेंगे इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, एक ही चीज सिखा रहे हैं। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो आदमी जीत के राजा हो जाता है, आपको एक मुफ्त में सलाह दे रहे हैं, जीवन में एक बार मेरी बात मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो, नहीं तो देश आगे बढ़ जाएगा, जात आगे बढ़ जाएगा, आप और आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है वो देश का चिंता क्या खाक करेगा। कहता है कि मोदी जी को वोट दे रहे देश को मजबूत बनाने के लिए, अरे जब पूरा बिहार का लड़का अनपढ़ और मजदूर हो जाएगा तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा। आपके हमारे बच्चे उन्हीं राज्य में जाएंगे, उनको लात मारा जाएगा, उनको गाली दिया जाएगा, इसलिए एक बार अपने बच्चों के लिए जगो, अपने बच्चों के लिए वोट करो, तभी जीवन सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं, जिसको भी वोट दीजिए न सुधरेगा। यहाँ आदमी कहता है जहाँ हम गए 5,000 गांव में गए, हे भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, अरे यहाँ नाली गली नहीं मुखिया जी बना रहे, हम लोग का यहाँ राशन कार्ड में 2,000-2,500 घूस लगता है, दाखिल खारिज में 10,000,
जन्म मृत्यु प्रमाण में प्रमाण पत्र बनाने में भी 2-4 हजार लग रहा है। FIR करने जाइएगा तब भी पैसा लगेगा। जितना लोग को लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, दो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेकर वोट देते हो, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके हलक में, बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जैया 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। मुर्गा भात खाने में तो बड़ा मजा आया, अब पैसा देने में काहे चिल्ला रहे। गलती करोगे तो गलती ही पाओगे। नेता यहाँ पंजाब से नहीं आया है, आपने उसको वोट देकर जिताया। गलत आदमी को जिताइएगा तो गलत ही पाइएगा। बबूल बोइएगा तो आम खाने को नहीं मिलेगा। जब तक इस बात को नहीं समझिएगा बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। यही बात बताने के लिए रोज रोज पैदल पैदल गांवे गांव घूम रहे। ठीक लगता है तो एक बार अपने बच्चों के लिए सजग होइए। अन्ना तलालू या नीतीश या मोदी या प्रशांत किशोर के लिए वोट देते रहिए और अपने बच्चों को बदहाल और अनपढ़ मजदूर बनाकर रखिए। आपके वोट में ही वो ताकत है। आदमी कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अरे भाई आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भविष्य चलाने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अगर मुफ्त में दोगे, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा ही होगा। लोगों को बिहार में पते नहीं है कि उसके वोट का कीमत कितना है। आप एक वोट देते हैं, एक वोट देकर जिसको प्रधानमंत्री बनाते हैं वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है आपका। एक वोट उसका चाबी है। एक वोट देकर जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं बिहार का राजा, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। नेता आकर कहता है सड़क बनवा दिए, 5 किलो अनाज दे दिए। अरे मेरे भाई 45 लाख करोड़ रुपया का तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाज पर मोदी जी को दे दिए। 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी लालू नीतीश को आप जात के नाम पर मुफ्त में दे दिए। तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। अरे अपने जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो मांगो। आप दूध दही बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हैं। अपने जात वाले को दूध बेचोगे, 50 रुपया का दूध है बहुत होगा तो 45 रुपया में दे दीजिएगा। अपने जात वाले को मुफ्त में दूध नहीं बेचते हैं, मुफ्त में कपड़ा नहीं बेचते हैं, तो उसको 2 लाख रुपया का वोट मुफ्त में काहे दे रहे। अपने जात वाले को देना है वोट दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई मांगो। और न मांगोगे तो जिसको वोट दे रहे हो मुफ्त में वो राजा बनता जाएगा और आपके बच्चे जीवन भर गरीब रह जाएंगे। यही बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, न ठीक लगे तो घरे जाइए। आज आपके गांव में शादी है 3-4, अभी शादी है तो आप लोग को उसमें भी जाना होगा। एक नारा लगा कर घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, अभी शादी में जाके भोज खाने जाइएगा, उससे पहले आवाज भी नहीं है।
जोर से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी को जय बिहार बोलने के लिए भी दो बार हिलाना पड़ता है, न तो पड़ा है इसे। सर जी भात खाता है लोग मसलन है, आवाज देता है। हाँ आवाज बुलंद कीजिए। मसवा दिया है नीतीश कुमार मोदी जी। हाँ तो भात खाना भी बंद और आवाज ऊंचा कीजिए कि मोदी को समझ में आए कि भात पर वोट नहीं बिकेगा। नहा दिया है लोग को। बिल्कुल ठीक बात है, बोलिए दोस्तों जय बिहार।